हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है। तो शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? शुरुआत में हमने देखा कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई ऑर्गन है, कोई बॉडी है, कोई स्ट्रक्चर है, वो जिंदा है या मरा हुआ है। तो हम उसमें ये ढूंढते हैं कि क्या वो कुछ खा रहा है, क्या हिल रहा है, क्या कुछ मूवमेंट कर रहा है, छोटा मोटा कोई मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर मूवमेंट कर रहा होता है तो हम इसको जान जाते हैं कि ये जिंदा है ना। अगर वो मूवमेंट नहीं करता है तो फिर हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। कभी कभार ये होता है कि वो मूवमेंट भी नहीं कर रहा होता है और वो जिंदा भी होता है। सपोज करिए, मैंने बात बताया था आपको कि कोई डॉगी सो रहा है, तो फिर आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो मरा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं, वो छोटे छोटे मूवमेंट करते हैं जो कि हम उसको देख नहीं पाते, है ना। जब देख नहीं पाते तो हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि भाई ये जिंदा है। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो जरूरी है लाइफ के लिए। तो उसमें हम सबसे पहले प्रोसेस पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से, आउट ऑफ बॉडी से हम फूड लेते हैं, है ना। बाकी बातें हमने बहुत सारी बातें की थी इस बारे में, लेकिन हम बॉडी के बाहर से जो फूड लेते हैं, क्योंकि एनर्जी तो सभी के लिए चाहिए, सेल्स के लिए भी चाहिए, टिश्यूज के लिए चाहिए, सभी के लिए एनर्जी चाहिए। तो बिना एनर्जी तो कम होगा नहीं। तो हम बाहर से जो एनर्जी लेते हैं, एनर्जी मतलब फूड के थ्रू लेते हैं, वो उस फूड को हम फिर ऑक्सीजन के थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसमें से काम की चीज जो है बाहर निकालते हैं, जो बेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। तो जो बेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सर्शन। एक्सर्शन जो लास्ट प्रोसेस जिसकी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सिंगल सेल बॉडीज जो होती हैं, बॉडीज नहीं, सिंगल सेल, सिंगल मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो कैसे लेते हैं, वो कैसे भोजन लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक अमीबिया का उदाहरण एग्जांपल लिया था। उसमें क्या था कि सपोज उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, या फिर अंदर सीओ2 की कमी है, या फिर कुछ और चीज की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, तो उस चीज को एनवायरमेंट से ले लेता था, ठीक है। और फिर उसको अंदर अपने अंदर वो एक्सप्लॉइट कर लेता था। तो यहां तक तो बात हो गई थी अमीबिया के बारे में। अब हम पढ़ने वाले ह्यूमन बॉडीज के बारे में, मतलब सॉरी, ह्यूमन बॉडीज ये सब काम कैसे करती है। तो ह्यूमन बॉडीज कैसे काम करती है, तो एक वर्ड हमें पढ़ा था फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? फ्यूजन मतलब एनवायरमेंट से जो न्यूट्रिशंस लेने की जो प्रोसेस थी उसको हमने बोला था फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा आप एक बार डीपली पढ़िएगा। फ्यूजन, हाँ ठीक है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो फ्यूजन में हम लोग क्या करते थे, कोई भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता था वो एनवायरमेंट से डायरेक्टली उसको जो चाहिए था वो ले लेता था। लेकिन अब हम अपनी बॉडी में देखें, हमारी जो और बॉडी है हम उसमें देखें, तो क्या ये पॉसिबल है? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? हमारी जो स्किन है, वो तो बाहर से
ऑक्सीजन ले सकती है या फिर जो भी उसको चाहिए वो ले सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो है, उसको जो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमारे लंग्स हैं, हमारी हार्ट है, हमारा फेफड़े किडनी है, क्या वो ऐसा कर सकती है? वो तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के टच में नहीं है ना, तो फिर वो कैसे एनर्जी लेंगी, वो कैसे मतलब फूड लेंगी। ठीक है, तो ये चीज है कि जो फ्यूजन है वो ह्यूमन बॉडी में सफिशियंट नहीं है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन लेने की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो समझिए ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है, कैसे हम लेते हैं। ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी खाना लेते हैं तो मतलब खाना खाते हैं भोजन से, मतलब टंग माउथ एस्को एसोपेगस डाइफार्गम गलबैडर लीवर, तो ये कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप है जहाँ से प्रोसेस होकर गुजरती है, उस प्रोसेस के बारे में ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चंस जो ये अपन जिनके बारे में बात कर रहे थे अभी, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन ट्रॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स एंड एंटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेयर डू प्लांट्स गेट रीच द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज रोल ऑफ द एसिड इन स्टोमक स्टोमक, व्हाट इज फंक्शन इज ऑफ डिस्टिंक्टिव एंजाइम, हाउ द स्मॉल इंसर्ट लाइन डिजाइन टू ऑब्जर्व डिजाइन फूड। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और ऑक्सीजन को अंदर बाहर छोड़ने की जो पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर नहीं छोड़ते हम, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, मतलब सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो पूरा एक जो ऑर्गन 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 सिस्टम लगा हुआ होता है इस पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन शॉप इन स्मॉल सेक्शन ऑफ द, यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एयर बिगिंस पास्ट इनटू लाइव वाटर विद अ पिकार्ड सिरिंज, एयर बींग एक्सेट इनटू लाइन वाटर। ये हमने दो लाइन वाटर में अलग अलग डिफरेंट तरीके से हमने प्रोसेस किया है। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन, द फूड न्यूट्रिशन टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन फ्यूड इन सेल्स इज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस लाइफ प्रोसेस, डिजर्व ऑर्गेनिज्म टू दिस इज अन डिफरेंट अवेज, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम वाटर यूजेस पाथवे इनक्लूड इन्वॉल्व ऑक्सीजन। मतलब हमने अपनी जो ऑक्सीजन है उसके जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके बारे में बताया है कि हम क्या करते हैं, डिजर्व ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, सम यूज ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली
इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो हमने ऑक्सीजन ली है उसको क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को हम करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं इसमें ग्लूकोज में, कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज, कुछ हैं जो अदर जो अलग पाथवे यूज करते हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड सिक्स कार्बन्स इन मॉलिक्यूल्स इनटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स पाथ पेरुवेट द प्रोसेस टेकन प्लेस इन द क्रिप्टोप्लाज्म। मतलब ये कि कुछ अलग तरह की प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ अलग तरह की प्रोसेस फॉलो करते हैं, दोनों प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, क्या है ग्लूकोज है, क्रिप्टोप्लाज्म है, जो अभी हमने पढ़ा सारी प्रोसेस यहाँ पे है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेप्शन। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।